वेलकम टू माई चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एग्जिस्ट। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है जिनका नाम ब्रायन और मैट होता है। ये लोग अपने दोस्त टॉड, डोरा और साथ ही एलिजाबेथ इन लोगों के साथ एक ट्रिप को प्लान करते हैं। और इन लोगों ने किस लोकेशन पर अपनी ट्रिप प्लान की थी, वो जगह इनके अंकल की एक फॉरेस्ट में बंद किए हुए कैबिन पर थी। इनका कैबिन टेक्सास के फॉरेस्ट में होता है, जिसके बाद ये लोग कार में बैठते हैं और सीधे ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त ब्रायन जो अपने कैमरे में सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा होता है। और थोड़ी दूर जाने के बाद अब ये लोग एक शॉप पे रुकते हैं, जहाँ से ये लोग कुछ पटाखों को लेते हैं ताकि ये लोग रात में उन पटाखों को चला सकें। और अब यहाँ पे शाम होती है, ये लोग अब फॉरेस्ट की तरफ निकल जाते हैं। उसी समय हम डोरा को देखते हैं। डोरा अब मैट की पियर्स को जला रही होती है। उसी समय ब्रायन जो ड्राइव कर रहा होता है उसका ध्यान भटक जाता है और इनकी कार एक चीज बहुत बड़ी चीज़ से जाकर के टकरा जाती है, जिसके बाद अब ये लोग कार से बाहर आते हैं और देखते हैं कि आखिर आखिर कि इनकी कार किससे टकराई है। लेकिन इन लोगों को सामने कुछ भी नजर नहीं आता है। तभी ये लोग अब कार की हेडलाइट नोटिस करते हैं जिसपे खून लगा होता है। और इन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मेरी कार से किसी बड़े जानवर को टक्कर लग गई है। लेकिन उसी समय इन लोगों को फॉरेस्ट की तरफ से काफ़ी तेज आवाज़ें आने लगती हैं और ये आवाज़ें किसी जानवर की नहीं लग रही थी। और ये लोग अब उस आवाज़ का पता लगाने के लिए टॉड, ब्रायन और पैट के तीनों फॉरेस्ट में थोड़ा सा आगे जाते हैं पैदल। लेकिन आगे जाने के बाद ये आवाज़ ही और तेज होने लगती है और ये लोग डर जाते हैं, जिसके बाद ये लोग फौरन आकर के अपनी कार में वापस से बैठ जाते हैं। और कार में बैठने के बाद ब्रायन अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग को चेक करता है, जिससे इन लोगों को पता लगता है कि इनकी कार के सामने एक बहुत बड़ा काला से एक क्रिएचर आया था जिससे इनकी कार की टक्कर हुई थी। लेकिन ये लोग अब इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और अपनी मस्ती में आगे बढ़ जाते हैं। इन लोगों को अब जिस कैबिन के पास जा रहा था वो कैबिन अब कुछ ही दूरी पे बचा था। लेकिन आगे जाने के बाद जब फॉरेस्ट का रास्ता बंद होता है, यहाँ पे अब ये लोग अपनी कार से बाहर उतर आते हैं और आगे का रास्ता ये लोग पैदल ही तय करते हैं। लेकिन अभी भी फॉरेस्ट से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई वहाँ भी काफ़ी जोर से रो रहा है। लेकिन ये लोग इस आवाज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और अपनी डेस्टिनेशन में आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर अब ये लोग फाइनली उस कैबिन के पास पहुँच जाते हैं जो कि इनके अंकल का होता है। और वो कैबिन काफ़ी बुरी हालत में था। उस कैबिन के कर डोर्स भी ओपन थे और जैसे ही अब ये लोग उस कैबिन के अंदर एंटर करते हैं, तब वो देखते हैं कि सारी जगह पे काफ़ी धूल मिट्टी है और काफ़ी पत्तियाँ भी पड़ी हुई हैं। ये ऐसे इन लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। समय हम एक रूम की तरफ से कुछ आवाज़ें सुनते हैं। ऐसा लग रहा था कि उस रूम के अंदर कोई जानवर जो काफ़ी जोरों से घुर्रा रहा है। और मैट अब उस रूम के पास जाता है जिस रूम में एक जानवर होता है। और जैसे ही उस रूम का दरवाज़ा वो ओपन कर, तभी उस रूम में एक पिग होता है जो इन लोगों के ऊपर घुर्रा रहा होता है। ये चीज़ देख करके गर्लफ्रेंड होती है वो सभी काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं। वो लोग फाइनली ये डिसाइड करती हैं कि आज की रात इन्हें यहाँ पर नहीं बिताएंगे क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक, और इसीलिए ये लोग डिसाइड करती हैं कि आज की रात वो लोग कार में बिताएंगी। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आकर के हम लोग इस कैबिन को साफ करेंगे, जिसके बाद हम लोग यहाँ पे रहने लगेंगे। और अब ये सभी लोग अपनी कार में वापस चले जाते हैं और उसी में सो जाते हैं। लेकिन अभी ब्रायन जो जगता होता है और वो अपने कैमरे से सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा होता है। लेकिन अभी भी उसी फॉरेस्ट वो आवाज़ें आना बंद नहीं होती हैं जिन आवाज़ों को इन लोगों ने पहले सुना था। जिसके बाद ब्रायन मैट से कहता है कि शायद ये आवाज़ें उसी जानवर की है जिसकी हमारी कार से टक्कर हुई थी और शायद उसे काफ़ी चोट आ गई है, इसी वजह से वो दर्द के मारे रो रहा है। और ये लोग अब रिलैक्स होकर के सो जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं, ये लोग उठते हैं और वहीं पे पास में ही एक छोटी सी रिवर होती है जिसमें ये लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं, नहाते हैं और साथ ही उस पर साइकिलिंग भी करते हैं। उसी समय ब्रायन नोटिस करता है कि टॉड और एलिजाबेथ फॉरेस्ट में इंटीमेट होने के लिए गए हैं। तब ब्रायन जो अब यहाँ से निकल जाता है उन दोनों टॉड और एलिजाबेथ की वीडियो शूट करने के लिए। तभी अब ब्रायन के कैमरे में एक ब्लैक कलर का काफ़ी बड़ा क्रिएचर रिकॉर्ड हो जाता है, जिसे ब्रायन देख करके काफ़ी शौक जाता है। और उस क्रिएचर को पूरा देखने के लिए ब्रायन अकेले ही उसी फॉरेस्ट में अपना कैमरा लेकर के निकल जाता है। और ब्रायन रिकॉर्ड कर रहा होता है, साथ ही वो ये बोल रहा होता है कि उसके अंकल ने कहा था कि इस फॉरेस्ट में बिगफुट रहते हैं और इस फॉरेस्ट में बिगफुट होने की वजह से उन्होंने यहाँ पर रहना छोड़ दिया था। और साथ ही इसके अंकल ने ब्रायन से ये भी कहा था कि अगर उस इस जंगल में बिगफुट दिखता है तो फिर तो उससे दोस्ती कर लेना। इसके बाद ब्रायन अब अपने कैमरे को लेकर के आगे बढ़ता है। उसी समय अब ब्रायन को उसी जंगल में जमीन पे बिगफुट्स के काफ़ी बड़े बड़े पत्तियों के निशान दिखते हैं।
और फिर अगेन से किसी की काफी जोर से गुराने की आवाज आने लगती है। ये चीज सुनकर की बैंड काफी ज्यादा डर जाता है और वो सीधे वहाँ से भाग करके अपने फ्रेंडों के पास वापस चला जाता है। और अब रात होती है जिसमें अब सभी लोग कैबिन में ही सो रहे होते हैं क्योंकि इन लोगों ने नेक्स्ट मॉर्निंग में कैबिन को पूरा साफ कर दिया था। लेकिन वही ब्रायन जो अपने कैमरे के साथ बाहर ही बैठा होता है और वो बाहर इसीलिए लेटा होता है ताकि उसे उम्मीद थी कि रात में बिगफुट उसे नजर आएगा जिसे वो अपने कैमरे में कैप्चर कर लेगा। उसी समय अब ब्रायन को जंग फॉरेस्ट से काफ़ी जोरों से आवाज़ें आने लगती हैं और उन आवाज़ों का पीछा करते करते ब्रायन फॉरेस्ट के बीचों बीच ही पहुँच जाता है और एक पेड़ के पीछे छुप करके वो उन आवाज़ों को सुन रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर वहाँ पर जरूर आएगा, लेकिन उसी समय ब्रायन के सामने कुछ लोग आ जाते हैं जिन्हें देख करके ब्रायन काफ़ी डर जाता है। लेकिन ये लोग और कोई नहीं जबकि टॉड और मैट होते हैं। ये लोग ब्रायन से प्रैंक कर रहे होते हैं। अब इन तीनों की फॉरेस्ट में मस्ती चल रही होती है जिससे कि वहीं पे हमें अब बिगफुट दिखाया जाता है और उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो काफ़ी जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। ब्रायन, मैट और टॉड ये तीनों दोबारा से कैबिन में वापस चले जाते हैं, लेकिन बिगफुट इन लोगों का पीछा करते हुए इनके कैबिन के पास आ जाता है और उसके सभी दोस्तों को पता लग जाता है कि बिगफुट यहाँ पे आ गया है, जिसके बाद ये लोग कैबिन के अंदर काफ़ी डरे हुए बैठे होते हैं और ब्रायन इसी इंतजार में था कि बिगफुट यहाँ आए तो वो उसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ले। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बिगफुट अब इनके कैबिन के करीब आ जाता है और वो उस दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद अब सारी आवाज़ें शांत हो जाती हैं और बिगफुट भी उनके डोर को नहीं ओपन करता है और इन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद बिगफुट यहाँ से चला गया है। इसलिए ब्रायन अब डोर के ऊपर लगी हुई विंडो से अपने कैमरे को लेकर के बाहर झांकने लगता है। लेकिन उसी समय अब ब्रायन के सामने बिगफुट आ जाता है जिसे देख करके ब्रायन काफ़ी डर जाता है और वो अब खिड़की से नीचे गिरता है। और यहाँ पे अब ब्रायन के सभी फ्रेंड्स ब्रायन को देख के काफ़ी डर गए होते हैं और काफी जोर से चिल्लाने लगते हैं। इन लोगों की आवाज़ें सुन करके बिगफुट यहाँ से भाग जाता है, लेकिन बिगफुट यहाँ से जाने से पहले इन लोगों की कार को पूरी तरीके से खराब कर देता है, पूरी तोड़ देता है ताकि अब इनमें से कोई भी इस संकट से बाहर ना जा सके और मैं इन लोगों को जान से मार दूँ। अब यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग में जब ब्रायन और उसके सभी दोस्तों को ये पता लगता है कि उनकी कार को बिगफुट ने पूरी तरीके से ख़राब कर दिया है, तब ये लोग काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं कि अब हम लोग इस संकट से बाहर कैसे जाएंगे, अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और अब ये सभी कैबिन में जाकर के ये सोचने लगते हैं कि हमें आगे क्या करना है और इस संकट से कैसे बाहर निकलना है। वहीं पे टॉड अब ब्रायन से कहता है कि ब्रायन तुमने कहा था कि तुम बिगफुट के बारे में सब कुछ जानते हो, वो काफ़ी शांत रहते हैं और अगर उन्हें उकसाया ना जाए तो फिर वो किसी के ऊपर हमला नहीं करते हैं, वो किसी को जान से नहीं मारते हैं, तो फिर ये बिगफुट हम लोगों को क्यों जान से मारना चाहता है, उसने हम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया। वहीं अब टॉड अब इन लोगों से कहती है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को इसी कैबिन में रहना चाहिए, हमारे बारे में किसी को नहीं पता है, एटलीस्ट ब्रायन के अंकल को हमारे बारे में पता है कि हम लोग इस फॉरेस्ट में कैबिन में रहने के लिए आए हैं और अगर हम लोग घर वापस नहीं जाएंगे तो फिर वो यहाँ पे पुलिस लेकर के हम लोगों को ढूंढने जरूर आएंगे, फिर हम लोग बच जाएंगे। लेकिन यहीं पर ब्रायन और मैट ऐसी बात बोलते हैं जिससे कि ये सब शौक में आ जाते हैं। मैट अब सभी लोगों को बताता है कि मैंने अपने अंकल से कैबिन की चाबी चुराई थी और घर में किसी को भी नहीं पता है कि हम लोग इस कैबिन में आए हुए हैं। इसका मतलब ये था कि अगर ये लोग इस जंगल में फंसे रह जाते हैं और मर भी जाते हैं तो फिर इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। इस चीज से अब सभी फ्रेंड्स ब्रायन और मैट के ऊपर काफ़ी गुस्सा कर रहे होते हैं और फाइनली सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि मैट जो अब साइकिल लेकर के इस जंगल में जाएगा और जहाँ पर भी उसी फोन का सिग्नल मिलेगा वहाँ से वो हेल्प के लिए कॉल करके वापस कैबिन में आएगा, जिसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं और मैट अब हमें साइकिल पर बैठ करके साथ ही वो हेलमेट में कैमरे को फिट करके यहाँ से निकल जाता है। और थोड़ी दूर जाने के बाद मैट के मोबाइल में सिग्नल आ जाता है जहाँ से अब वो मैट के लिए कॉल करता है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होती है। काफ़ी देर बाद कॉल कनेक्ट होती है लेकिन रेस्क्यू टीम को इन लोगों की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। इसी सब मैट अपने अंकल को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि मैं और मेरी दोस्त हम लोग टेस्सी फॉरेस्ट में आपके कैबिन में आए हुए हैं, हम लोग यहाँ पर ट्रिप करने के लिए आए थे, लेकिन अब हम लोग बिगफुट की जान में फंस गए हैं, यहाँ पर आकर के हम लोग की जान बचाती है। सारी बातें अब मैट का अंकल सुन लेता है जिसके बाद बिगफुट डिस्कनेक्ट हो जाती है। उसी समय मैट अभी साइकिल लेकर के यहाँ से वापस जाने लगता है, लेकिन तभी मैट के सामने अब बिगफुट आ जाता है और मैट के ऊपर अटैक करने लगता है। मैट अपनी साइकिल को लेकर के यहाँ से तेजी से भागा के कैबिन में वापस जाने की कोशिश करता है, बट बिगफुट मैट को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ कहीं लेकर के चला जाता है, जिसके बाद हमें अब कैबिन दिखाया जाता है और यहाँ पे अब मैट के सभी फ्रेंड्स होते हैं। ये लोग अब कैबिन के सारे विंडोज और डोर को सामान लगा करके सील कर रहे थे ताकि बिगफुट इस कैबिन के अंदर ना आ सके। उसी समय इन लोगों को अब कैबिन के अंदर एक बेसमेंट मिलता है
और उसमें छुपा जा सकता था। साथ ही उसी बेसमेंट में एक गन भी होती है, जिसे देख करके हीरो काफ़ी खुश हो जाते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि हम लोग बिगफुट का सामना कर सकते हैं। और अब ये लोग उस गन के साथ कैबिन के बाहर आते हैं और बाहर खड़े होकर मैट का इंतजार करते हैं, लेकिन तभी उनके सामने मैट नहीं जबकि बिगफुट आ जाता है। और बिगफुट जो अब काफी गुस्से में होता है वो इनकी तरफ आते हुए मैट की साइकिल जो इन लोगों की तरफ फेंकता है, जिसे देख करके ये सभी काफी डर जाते हैं और ये सभी फौरन अब कैबिन के अंदर चले जाते हैं और डोर के पास ही कवर लगा देते हैं ताकि बिगफुट अंदर ना आ सके। लेकिन बिगफुट अब काफी गुस्से में था और वो लगातार डोर को पीट रहा था ताकि वो डोर टूट जाए, और इसी के साथ डोर के पास लगा हुआ कबर भी थोड़ा सा हट जाता है और पास में ही एलिजाबेथ खड़ी होती। बिगफुट का हाथ अब दरवाजे के अंदर आ जाता है और वो एलिजाबेथ को पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा होता है, लेकिन यहाँ पे एलिजाबेथ की दोस्त जो एलिजाबेथ को किसी तरीके से पकड़ के रखते हैं ताकि बिगफुट उसे बाहर ना लेके जाए। और उसी समय टॉड जो अब बिगफुट के ऊपर फायरिंग कर देता है, जिससे कि बिगफुट यहाँ से चला जाता है। और यहाँ मौका देख करके ब्रायन, टॉड, डोरा और एलिजाबेथ ये लोग अब बेसमेंट के अंदर आ जाते हैं, लेकिन जब बिगफुट ने एलिजाबेथ को पकड़ा था तब वो काफ़ी जख्मी हो गई थी, जिसकी वजह से एलिजाबेथ की वहीं पे मौत हो जाती है और अब सिर्फ तीन लोग बचे थे, डोरा, ब्रायन और टॉड। उसी समय हम बिगफुट को देखते हैं जो अब इन लोगों की आवाज़ें सुनकर के कैबिन के अंदर आ जाता है और उन्हें और बिगफुट को इनकी आवाज़ें बेसमेंट से आते हुए सुनाई देती हैं और वो अब बेसमेंट में आने की कोशिश करता है। लेकिन इसी समय अब टॉड जो बिगफुट के ऊपर फायरिंग करता है और इस बार गोली बिगफुट की लग जाती है और इसी वजह से बिगफुट अब डर के मारे चिल्लाते हुए यहाँ से चला जाता है। ये लोग उसी बेसमेंट में काफ़ी डरे हुए रात बिताते हैं और अगली सुबह अगली तीनों इस बेसमेंट से निकल करके फॉरेस्ट से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, बट रास्ते में जाते वक्त इन्हें मैट का हेलमेट मिलता है जिसके सर पे खून लगा होता है और ये लोग समझ जाते हैं कि अब तक के मैट तो मर चुका होगा। और इसी से क्योंकि ये सभी काफ़ी डर जाते हैं और रोते हुए आगे फॉरेस्ट की तरफ निकल जाते हैं और इन लोगों को फॉरेस्ट में पैदल चलते हुए रात हो जाती है। तभी एक बहुत बड़ा सा गड्ढा पड़ता है, इसमें ये लोग अब रात बिताने के लिए छुप जाते हैं। उसी समय अब इन लोगों को फॉरेस्ट से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है और ये आवाज़ और किसी की नहीं जबकि मैट की होती है। और ब्रायन जब मैट की आवाज़ सुनता है तब वो समझ जाता है कि मैट अभी जिंदा है, इसीलिए वो मैट को बचा इसी लिए बिगफुट के अंडरग्राउंड गुफा के लिए निकल जाता है और ये सभी और साथ ही टॉड और डोरा भी गए होते हैं। और फाइनली अब जैसे ही बिगफुट के गुफा के अंदर एंटर करते हैं तभी इन्हें वहाँ पर मैट मिलता है। ब्रायन अब मैट को यहाँ से बचाने की कोशिश करता है, यहाँ पे मैट की हालत काफ़ी खराब थी क्योंकि बिगफुट ने उसके दोनों पैरों को तोड़ दिया था और मैट बिल्कुल तो चल नहीं पा रहा था। लेकिन किसी तरीके से लोग अब मैट के बाहर निकालते हैं और फास्ट फूड डोरा और टॉड को एक छोटा सा हाउस मिलता है जिसमें अब ये लोग मैट को लेकर भी आते हैं और वो यहाँ और साथ ही इन्हें अब वो बिगफुट से रात पर छुपने का ठिकाना भी मिल जाता है और इस छोटी सी हाउस में यहाँ पे फोन का नेटवर्क भी मिल जाता है। इसी समय अब यहाँ पे ब्रायन के अंकल का कॉल आता है जो अब इन लोगों से कहते हैं कि मैं कभी भी पहुँच गया हूँ लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है, तुम लोग कहाँ पर हो। ब्रायन ने अब अपने अंकल को बताता है कि हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और हम लोग अब दूसरी लोकेशन पे हैं जहाँ पे एक छोटा सा हाउस है, हम लोगों ने यहाँ पे बैट को भी रखा हुआ है। ब्रायन के अंकल अभी इन लोग के एग्जैक्ट लोकेशन को नहीं समझ पाते हैं, इसी वजह से डॉड यहाँ पे एक बेवकूफ़ी कर देता है और जिन पटाखों को इन लोगों ने यहाँ पे आने से पहले खरीदा था वो उन पटाखों को वहीं पे जला देता है ताकि इनके अंकल इन इस आवाज़ को सुनकर के इन लोगों के लोकेशन पे पहुँच जाए और हमें बचा सके। और टॉड अब इन सभी क्रैकर्स को लेकर के बाहर आता है और बाहर आकर के फोड़ने लगता है, लेकिन यहाँ पे ब्रायन के अंकल तो नहीं जबकि बिगफुट आ जाता है और वो टॉड को पटाखे जलाते हुए देखकर टॉड को जान से मार देता है, जिसके बाद वो अब उस छोटे से हाउस को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। हाउस डिस्ट्रॉय होने की वजह से डोरा और मैट दोनों से हाउस में मारे जाते हैं, लेकिन अब सिर्फ ब्रायन बचा था जो अब उस हाउस से भाग चुका होता है। लेकिन ब्रायन भी काफ़ी इंजर्ड हो चुका था इसलिए वो कुछ दूर आकर के वहीं पे बेहोश हो जाता है और बिगफुट जब ब्रायन के पास आता है तब वो उसे एक्सप्लेन करता है और उसे ऐसा लगता है कि अब ब्रायन भी मर चुका है और वो लेकिन ब्रायन मरा नहीं होता है, वो सिर्फ बेहोश होता है, जिसके बाद बिगफुट अभी इन पाँचों लोगों की यानी कि ब्रायन, मैट, टॉड, डोरा और साथ ही एलिजाबेथ इन पाँचों लोगों की लाश को उठा करके एक खुली जगह पर ना करके पटक देता है और वहीं पर थोड़ी देर बाद ब्रायन को होश आता है और वो अपने पास एक बेबी बिगफुट को मरा हुआ देखता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये बेबी बिगफुट वही है जिसे मैट और उसके सभी दोस्तों ने कार से आते हुए टक्कर मारी थी, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई थी। और अभी तक हमें फॉरेस्ट से जिसकी भी रोने और बुराने की आवाज़ आती थी वो इसी बिगफुट की थी, वो अपने बेबी बिगफुट के मरने की वजह से रो रहा था क्योंकि ये बेबी बिगफुट इसी का बच्चा होता है कि मौत और अपने बच्चे के मौत का बदला लेने के लिए अभी तक ये बिगफुट इन लोगों को मार रही थी।
और ब्रायन को जब ये सब कुछ पता चलता है तब वो यहाँ से उठ करके जंगल की तरफ भागने लगता है। लेकिन बिगफुट भी ब्रायन का पीछा कर रही होती है उसे पकड़ने के लिए, और भागते भागते ब्रायन काफी ज्यादा थक जाता है, इसीलिए वो एरिया पे रुक जाता है और वो बिगफुट से अब माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। मैंने तुम्हारे बच्चे को मारा है जिसकी वजह से तुम उन लोगों को मार रही हो, तो फिर चलो अब मैं तुमसे और नहीं भागूंगा और तुम उसे जान से मार दो। यहाँ पे अब बिगफुट जो अब ब्रायन को नहीं मारती है क्योंकि वो बिगफुट समझ जाती है कि इस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो यहाँ से चली जाती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जानवरों के अंदर भी एक हार्ट होता है जो काफी शांत होता है, अगर हम उन्हें नहीं उकसाएंगे, उन्हें नहीं नुकसान पहुँचाएंगे तो फिर वो भी हमें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, इसीलिए वो ब्रायन को हिलता छोड़ के वहाँ से चली जाती है और ब्रायन भी अब लकीली इस फॉरेस्ट से बाहर निकल जाता है। लेकिन बिगफुट की स्टार्टिंग में इतना गुस्सा होने की वजह से उसने ब्रायन के चारों दोस्तों को मार दिया था, और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। सो गाइस प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है। मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।